दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश इंडिया का नंबर वन स्टेट बन गया है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे, सबसे ज़्यादा शहरों में मेट्रो, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट, इंडिया की पहली रैपिड रेल, नॉर्थ इंडिया का पहला फिल्म सिटी, ऐसे ही अनगिनत प्रोजेक्ट्स में अभी उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, लेकिन इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इंडिया में सबसे अच्छी क्वालिटी की रोड यानी कि एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फंक्शनल है। साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी 15 अगस्त तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है। इतना ही नहीं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी ज़्यादातर पार्ट उत्तर प्रदेश में ही है। तो अगले 3 साल में यानी कि 2024 तक उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज की संख्या 10 से अधिक हो जाएगी। और अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो वर्तमान में इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ही है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और कंप्लीट होने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। हालांकि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने के बाद इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे के साथ साथ सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे भी उत्तर प्रदेश में ही है। जी हाँ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 14 लेन का एक्सप्रेसवे है और ये वर्तमान में इंडिया का वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है। और अगले कई सालों तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे इंडिया का वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे रहने वाला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई सारे एक्सप्रेसवे में एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है, जहां इमरजेंसी में इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट लैंड या फिर टेक ऑफ हो सकता है। सबसे पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में एयर स्ट्रिप बनाया गया था, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी एयर स्ट्रिप बनाया गया और अब तो गंगा एक्सप्रेसवे में भी एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा। इसके अलावा इंडिया का पहला ग्रीन एंड स्मार्ट हाईवे भी उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया था। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इंडिया का पहला ग्रीन एंड स्मार्ट हाईवे है, जिसमें सोलर एनर्जी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी व्यवस्था की गई है। एक्सप्रेसवे के बाद अब बात करते हैं मेट्रो की। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो सर्विस उपलब्ध है, जबकि अगले साल कानपुर में और उसके अगले साल आगरा में भी मेट्रो सर्विस उपलब्ध होगा। गाजियाबाद और नोएडा में दिल्ली मेट्रो की सर्विस है, जबकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नोएडा मेट्रो की सर्विस उपलब्ध है। दिल्ली मेट्रो की सर्विस 2009 में नोएडा पहुंची थी, जबकि 2011 में दिल्ली मेट्रो गाजियाबाद पहुंच गई थी। लखनऊ में मेट्रो की शुरुआत 2017 में हुई थी, जबकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच 2019 में मेट्रो चलाया गया था। अगर दिल्ली मेट्रो को छोड़ भी दें तो भी उत्तर प्रदेश में लखनऊ और नोएडा मेट्रो फंक्शनल है, जबकि कानपुर और आगरा मेट्रो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा मेरठ, बनारस और गोरखपुर जैसे शहरों में भी मेट्रो प्रपोज्ड है उत्तर प्रदेश में। तो मेट्रो के बाद देखते हैं रैपिड रेल यानी कि RRTS के बारे में। रैपिड रेल एक एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ये कन्वेंशनल रेलवे और मेट्रो का कम्बिनेशन है। यानी कि इसमें फैसिलिटी तो होगी मेट्रो के जैसे, लेकिन स्पीड और स्टॉपेज होगा रेलवे के जैसे। RRTS के फर्स्ट फेज में 3 कॉरिडोर सेलेक्टेड है। पहला कॉरिडोर है दिल्ली से मेरठ, दूसरा कॉरिडोर है दिल्ली से अलवर और तीसरा कॉरिडोर है दिल्ली से पानीपत। और अगर इसे गौर से देखें तो पता चलता है कि तीनों कॉरिडोर स्टार्ट तो होगा दिल्ली में, ऑफ कोर्स दिल्ली में सरायकाले खान यानी कि हजरत निजामुद्दीन से, लेकिन तीनों कॉरिडोर एंड होगा अलग अलग स्टेट में। जैसे दिल्ली मेरठ कॉरिडोर एंड होगा उत्तर प्रदेश में, दिल्ली अलवर कॉरिडोर एंड होगा राजस्थान में और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर एंड होगा हरियाणा में। लेकिन इन तीनों स्टेट में उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे है, यानी कि उत्तर प्रदेश RRTS में भी बाजी मार गया। जी हाँ, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर में पूरे सेक्शन में फुल स्पीड से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इनफैक्ट इसका प्रायोरिटी सेक्शन यानी कि साहिबाबाद से दुहाई तक लगभग 17 किलोमीटर का सेक्शन 2023 में कम्प्लीट हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन की स्पीड देखकर लग रहा है कि डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा।
अगर आपने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये तो है दिल्ली मेरठ RRTS यानी कि उत्तर प्रदेश के RRTS का अपडेट। अब देखिए कि दूसरे RRTS के कॉरिडोर का अभी क्या स्टेटस है। तो दिल्ली पानीपत कॉरिडोर जो कि अब दिल्ली करनाल कॉरिडोर हो गया है, इस कॉरिडोर में अभी तक ग्राउंड पर कोई भी काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इसके अलावा RRTS का एक और कॉरिडोर है दिल्ली से अलवर कॉरिडोर, और इस कॉरिडोर में अभी प्री कंस्ट्रक्शन वर्क यानी कि वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी पोल और यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम प्रोग्रेस में है। तो देखिए RRTS के फर्स्ट फेज का तीनों कॉरिडोर एक साथ ही अप्रूव्ड हुआ था और तीनों कॉरिडोर दिल्ली NCR में ही बन रहा है। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश कितना आगे निकल गया। तो चलिए रैपिड रेल के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट्स की। दोस्तों एयरपोर्ट्स के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट फंक्शनल है, जबकि कुशीनगर एयरपोर्ट भी बनकर तैयार है। कोविड पैंडमिक के कारण इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन नहीं हुआ, लेकिन ये एयरपोर्ट भी रेडी है इंटरनेशनल फ्लाइट के ऑपरेशन के लिए। इसके अलावा अयोध्या और जेवर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो 2024 तक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला स्टेट बन जाएगा। केवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं, उत्तर प्रदेश में डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। वर्तमान में आगरा, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, गाज़ियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट और बरेली एयरपोर्ट फंक्शनल है, जबकि अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, झांसी, मेरठ, श्रावस्ती, सोनभद्र और ललितपुर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन रहा है। यानी कि 2024 तक उत्तर प्रदेश में टोटल 20 एयरपोर्ट हो जाएगा, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 15 डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट के मामले में भी उत्तर प्रदेश इंडिया का नंबर वन स्टेट है। तो केवल एयरपोर्ट, मेट्रो या एक्सप्रेसवे के मामले में ही उत्तर प्रदेश आगे नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट है जहां पर दो दो एम्स अभी फंक्शनल है। उत्तर प्रदेश में नोएडा के पास फिल्म सिटी बन रहा है, जो कि नॉर्थ इंडिया का पहला फिल्म सिटी होगा, और ये फिल्म सिटी मुंबई के फिल्म सिटी का लगभग डबल साइज का है। नोएडा के पास जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद के राजनगर में 75,000 सीटिंग कैपेसिटी का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इतना ही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इसके साथ ही अयोध्या का भी रीडेवलपमेंट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स सही रहा तो जल्द ही इसका Part 2 भी आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई कंप्लेन या फिर सजेशन है तो कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।